ऊपर पारस भाई ऊपर ना पूरा जन्नत था ऊपर हम लोग ने पूरा स्वर्ग का मजा लिया है, एकदम स्वर्ग का मजा लिया है। और वहाँ से हमने जो हमारे टॉक्सिक फ्रेंड थे उनको खाली वीडियो कॉल किया था और उनको वहाँ पे जो स्वर्ग था वो दिखाया था। उनको इतना गिल्टी फील हुआ अंदर से, गिल्टी फील हुआ। ये दोनों जन देखो ये सो रहे थे, इसके साथ और एक मोटा आदमी था वो 50 पे बैठा है बेचारे को उधर बैठा के आगे उसको फिर भी हम लोग ने 1500 कंप्लीट किया है एक घंटे में। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये भी टॉक्सिक फ्रेंड नहीं है, ये भी अपने रियल फ्रेंड है भाई, एटलीस्ट आए तो आप देख सकते मेरे पीछे जहाँ से हम एंटर किए थे। और एग्जैक्टली हम लोग 8 बजे चले थे और अभी 2 बज रहा है। कितने घंटे हो गए पता नहीं, 12 6 घंटे हो गए। हम लोग अंबाजी जाके आए 5000 स्टेप्स। और अगर दत्तात्रेय जाते तो और भी टाइम लगता, इसके लिए हम लोग ने वो प्लान कैंसिल किया क्योंकि हम लोग को यहाँ से राजकोट जाना है और राजकोट जाके ही ट्रेन पकड़ना है। और अभी खाना पीना भी बाकी है, राजकोट भी जाके डिनर करना है, टाइम लगेगा। अभी सबकी चाल जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल, चढ़ने के लिए मुझे नॉर्मल समय से चढ़ रहे हैं अभी आने के टाइम पे सब लोग की चाल चेंज हो गई है। अभी सोच रहे कि यहाँ पे मसाला वसाज लेंगे, लेकिन देखते हैं वो नेक्स्ट प्लान है। लेकिन एक अचीवमेंट जैसा फील हो रहा है कि हम लोग ने ये अचीव कर लिया। बाय इनकी चाल देखो ये है गिरना चढ़ने के बाद का असर। ये हमारी भी सेम चाल है, लेकिन हम दूसरे हम दिख नहीं रहे, हम दिखा नहीं रहे, हमारी हम दूसरे का ले रहे हैं। अरे क्या चल रहे हो सुजीत भाई, एक नंबर। पंद्रह सौ में अंबाजी अंबाजी। ये रूम था हमारा जो पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, सुबह यहीं पे सोए थे हम लोग और यहीं से हम लोग गिरनार चढ़ने गए थे। बैग पैक हो चुका है और जाने की तैयारी, प्लान रेडी। जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है एज यूजुअल, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि ऐसे सब ब्लॉग लाने हैं तो मनी भी चाहिए, तो मनी के लिए ये सब करना पड़ेगा। अभी प्रोग्राम कुछ ऐसा है, हम यहाँ से कुछ भोजन करेंगे, कुछ खाया नहीं है पर खाली बस सुबह से नींबू जूस पे जी रहे थे और ऊपर जाके खाली एक मैगी खाया बस उतना ही था। और भूख जम के लगी हुई है क्योंकि नहा धोया फ्रेश हुआ और अभी अपने को यहाँ से जाना है, एक मंदिर है तलटी में, भवनाथ जिसको बोलते हैं भवनाथ, और भवनाथ से हम लोग जाने वाले हैं दामोकुंड जिसको बोलते हैं, जहाँ पे अगर आप शिवरात्रि के दिन अगर आप वहाँ पे आए तो भवनाथ कुंड में ऐसा बोलते हैं कि जो नागा साधु है जो एकदम बड़े लेवल वाले हाई लेवल वाले वो क्या करते हैं वहाँ पे दामोकुंड में अंदर जाते हैं, जिसको पता नहीं कि मतलब वहाँ पे अंदर जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि वो अंदर से बाहर आते ही नहीं, अंदर से कहाँ चले जाते हैं। तो वो एक दामोकुंड है, वो हम जाएंगे तो आपको मैं दिखाता हूँ उसको। ये दो जगह अभी जूनागढ़ के आजू बाजू में ही है, गिरनार के आजू बाजू में, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। और उसके बाद सीधा राजकोट आकर थोड़ा शॉपिंग करना है घर के लिए, राजकोट के पेड़े बहुत फेमस है और ग्रीन चटनी करके येलो चटनी करके फेमस है, वो लेंगे और बस फिर अल्टी घर।
बढ़िया अलाउड है। जय भोलेनाथ। ये दूर से कुछ बिल्डिंग ऐसा दिखता है, काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव। भोलेनाथ के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए, सुकून से मज़ा आया। और अभी थकान थोड़ी सी महसूस हो रही है और भूख भी बड़ी ज़ोर से लगी है, क्योंकि नीचे आए थे चाय पीने के लिए और फिर वापस उतर गए। अभी यहाँ से जाने वाले हैं दामोदर कुंड। इस सब के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरीज है, वो स्टोरीज आपको यहाँ पे आएंगे तो ही पता चलेगी। उस स्टोरीज के बारे में आपको यहाँ पे आके लोकल से किसी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब लंबी लंबी स्टोरीज है। अभी बहुत सारे और भी मंदिर है और सबकी यहाँ पे धर्मशाला, जब जिसका जिस किसी का भी जो समाज है उसके सारे लोग की धर्मशाला यहाँ पे रही, धर्मशाला बनाई हुई है। आप यहाँ पे आके आपकी आपका जो भी समाज है वहाँ पे कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे आपकी जो भी धर्मशाला होगी उसमें आप स्टे कर सकते हैं और आपको उसमें शायद कंसेशन भी मिल जाए। तो अभी लेट्स सी दामोदर कुंड। और ये हम 5 मिनट की दूरी पे है वो भवनाथ से, और हम पहुँच गए हैं गुजरात की गंगा पे, जिसको बोलते हैं दामो कुंड। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का दृश्य। ये दामो कुंड है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे आप एक बार अपने अपना स्नान कर लो तो आपके सारे जो पाप है वो धुल जाते हैं, लेकिन पाप तो पाप होते हैं, कभी धुलते नहीं है। लेकिन ऐसा मानते हैं कहीं कहीं जगह पे कि वो यहाँ का काफ़ी पानी जो है उसमें कुछ तो भी है जिससे आप पाप धुल जाते हैं। तो ये जो प्लान है वो ऑलवेज इम्प्रूव होते रहता है। तो अभी सब लोग ने बोला कि डिनर अभी कर लेंगे, अभी लंच करेंगे तो डिनर कब करेंगे, तो प्लान चेंज हुआ और हमारे पास आ गया है भजिया, भजिया चटनी और चाय। थोड़ी बारिश की कमी है, लेकिन अगर बारिश आ जाए तो अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है, सोने पे सुहागा का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन, मजा आ जाए। तो अभी मैं ये मिक्स भजिए के आनंद लूंगा, मेथी का भजिया ये हमें बस खाना भजिए बड़ा बड़ा मिर्ची का भजी सब सब है, इसका आनंद लेंगे और फिर राजकोट के लिए निकलेंगे। हिसाब किताब फाइनेंस क्लियर कर लेते हैं उसमें कहाँ खर्चे हुए या तो हिसाब लिखने में गड़बड़ी हो गई कि कहाँ, या कुछ लिखना में भूल गया कि कहाँ
किसको दिए थे, कई खर्चे हुआ है, मैंने ऐड नहीं किए नोटबुक में, पर याद आ जाएगा तो फिगर आउट कर लेंगे जल्दी से जल्दी रात को पहुँचने से पहले, क्योंकि इन सबको भी हिसाब देना है। ये सब हिसाब मांगते बाद में, बाद में हिसाब मांगते, they are not real friends, they are toxic friends. अगर हिसाब नहीं मिला फिर फाइनल, तो फिर जेठालाल की तरह मुझे 200 ऐड करके हिसाब खत्म करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर चल रहा है मस्ती मजाक और कट रहा है लोग, ये तो कर रहे हैं कि पहुंचे के फटाफट लेट्स बम बम बोले, थोड़े मारो बम बम बोले। ओ मयूर भाई आवाज नहीं आ रही ना भाई, सही सलामत राजकोट स्टेशन तक पहुंच गए। और जैसे कि मैंने आपको पहली दो बार भी बताया था, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन दिल पे पत्थर रख के घर जाना पड़ रहा है। और हमारी ट्रेन है जो है हम सफ़र एक्सप्रेस, कहाँ पे लगी है हम ज़रा चेक कर लेते हैं। लोग तो बोल रहे बांद्रा हम सफर क्या थी, एक पर बांद्रा हम सफर हमारी ट्रेन है, बांद्रा हम सफर एक पर A01 पे हमारी ट्रेन लग चुकी है और हम जाएंगे वहाँ पे। क्या तू नंबर दे 22924 हम सफर यहाँ पे आने वाली है S1 पे और सब पब्लिक जमा हो गई है रहने के लिए। ए बादुमा मतलब पफ खाए बाद है, एक एसी वाला बंदा था वो चले गया। तो एज यूजुअल अपना जो ट्रेन है वो थोड़ा सा लेट है, तो हमारा जो टिकट है इस बार आधे इधर और आधे उधर ऐसा कुछ हुआ है। तो आधे है S1 में, हम लोग हैं S1 में और आधे जो है वो है S6 में। S6 में लोग पब्लिक चली गई है और आज इस बार जो है सबको साइड अपर बर्थ और लोअर बर्थ मिला है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो डब्बे हम लोग मैच कर पाएंगे। और अभी किसी की हिम्मत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है कि S1 से S6 में कुछ मैच कर पाए सीट्स वगैरह। तो अब अभी जाके पूरी एनर्जी पूरी ट्रेन हो गई है, ट्रेन में चढ़ के सीधा लौटने वाले हैं और सीधा हम मिलेंगे आपको बोरीवली पे। अगर अहमदाबाद में मौका मिला और उठे तो हम दूध पियेंगे वहाँ पे जरूर विमल वाला, लेकिन अगर नहीं मिला मौका तो हम सीधे बोरीवली। बस ये काम चली 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 तो बाय राजकोट कर दे तू भी भाई। बाय बाय राजकोट। एक सीट के ऊपर कुछ भी हो जाए अहमदाबाद का स्टॉप रुकना नहीं चाहिए। और ये विमल नहीं है अभी कन्हैया और वाला भी कन्हैया है, हाँ कन्हैया ब्रांड है इस बार।
हम लोग कन्हैया दूध पी रहे, लेकिन खुद के दूध तो पीना ही है, कुछ भी हो जाए। तो अभी तो सब लोग सो गए थे, लेकिन अहमदाबाद आया तो ट्रेन 20 मिनट रुकने वाला है, तो उठ के थोड़ा सा बाहर आए और कर रहे दूध पी रहे, थोड़ा खाएंगे और फिर वापस हो जाएंगे। ट्रेन का पूरा आनंद लेके अभी हम पहुंच गए हैं बोरीवली स्टेशन, और ये जो हल्का हल्का सा दर्द, हल्का हल्का नहीं है ये, हल्का हल्का सा जो हसीन हसीन दर्द है, मीठा दर्द, मीठा दर्द, वो मजा आ रही है। आधे उधर आधे इधर थे तो आधे उधर चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, उनका वेट कर रहे हम लोग। बस जैसा लगता है ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, और ऐसे ही सफ़र आपको मिलते रहेंगे देखने के लिए। तो आधे उधर आधे इधर के चक्कर में सब चले गए, और आधे इधर इडली खा रहे। बाकी लोगों को आज मंडे भी है तो लोगों को काम पे भी जाना है, तो कुछ लोग वैसे ही निकल गए पटक से। तो हम थोड़े बहुत कुछ बचे हैं। हाँ तो वीडियो तो एंड करना पड़ेगा अपने स्टाइल में, तो वीडियो एंड करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी पब्लिक है मेरे पास जिसको मैं लेके रखा हूँ मेरे साथ के भाई, वीडियो एंड करना है अपने को। लालच दिया है हम लोग, यस मैसूर मसाला खाएंगे भाई। अभी तो बारिश का मौसम है, मस्त गरम गरम मैसूर मसाला खाएंगे। तो हम मेरा ये आर के फिर मिलेंगे चलते चलते। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल टाइनी ट्रैवल।